ओके गाइस, सो 1, 2 एंड 3। अबे भाई, ओके ओके। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, वह भाई गया, डिमोनी गया मेरा। व्हाट? ओके, मेरा डिमोनी गया। शेट। ओके, नहीं, अब मैं उड़ नहीं पा रहा, अब मैं उड़ नहीं पा रहा। ओके। ओ भाई, क्या कर दिया मैंने यार ये। ओके, शेट 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 शेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्क अमल्फी सीरीज। सो गाइस, जैसे कि प्रीवियसली आपने देखा था गाइस, कि हमने जो TA3 के बॉसेस थे गाइस, उनसे फाइट की थी। तो एक रीपर एम्परस था और एक इंडोमिनस रेक्स जो एम्परर होता है, उससे भी फाइट की थी। लेकिन गाइस, मैंने कुछ मिसकैलकुलेशन कर दी थी। आई गेस हमारे जो डिमोनिक और सेलेशियल जो डायनो है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो वो पहले से ही थोड़े स्ट्रांग थे, और मैंने उनको क्या है, जो इम्प्रिंट वगैरह होता है, जो मैंने म्यूटेटर म्यूटेटर वगैरह लगाए थे, उनसे थोड़े इम्प्रिंट भी हो गए हुए, तो और स्ट्रांग हो गए। तो इसलिए गाइस, बहुत इजीली इन्होंने जो है डिफीट कर दिया था। कोई भी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई हमारे लिए कोई चैलेंज की बात हो ये। तो लेट्स सी गाइस, आज के एपिसोड में हम जो TR4 के बॉसेज है, जो गार्डियंस होते हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे गाइस। और लेट्स सी, होपफुली हमारे जो डिमोनिक और जो सेलेस्टियल क्रिएचर है, वो इनफ होने डिफीट करने की। तो लेट्स सी गाइस, चलिए फिर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और गाइस, प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम TA4 के जो बॉसेस हैं, उनको डिफीट करने वाले हैं। और लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें अनलॉक होती है उनसे। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। ओके, और गाइस, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक अपना जो बेस है फुल्ली रेडी कर लिया है गाइस। जैसे आप देख सकते हो, तो मैंने ये इधर की तरफ से ये बना दिया है। ओके, और ये सारे प्लेटफॉर्म बना दिए मैंने अपने डायनोस को रखने के लिए बाहर की तरफ से। और हमारा रीपर को भी हम अपने बेस में लेके आ गए हैं। तो मैंने इसमें कुछ टेलीपोर्टर लगाया गया है, जिससे ऊपर नीचे आराम से इजीली जा सके। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर मैं सी दबाऊंगा तो नीचे की तरफ जाएगा ये। अब ये, सॉरी, ओके, ये देखो, तो ये जगह जगह पे लगाया है मैंने। और अगर मैं जंप करूंगा तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा वापस से। ओके, तो ये सबसे मस्त टेक टेक एवेलेटर, वो बोलता है ना, एलिवेटर बोलते हैं गाइस, टेक एलिवेटर। ओके, ठीक है, तो वापस सी दबाते, वापस नीचे आते हैं। ओके। और भाई, मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हटा दी है, जो भी शील्ड वगैरह लगी हुई थी, सिर्फ एक ही शील्ड लगाई है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, कुछ डायनोस को हराने के बाद हमारे पास जो प्राइमल की शील्ड है वो अनलॉक हो जाएगी। तो वैसे मैंने उसको लगा तो दिया, लेकिन चालू नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी अनलॉक नहीं हुई। मैंने इसको आई गेस कोड लगा के स्पॉन किया था। मुझे लगा शायद हम जो है थोड़ा बड़ी शील्ड बना देंगे, लेकिन अभी वो चालू नहीं हो रही। आई डोंट नो क्या चक्कर है। तो लेट्स सी, होपफुली जब हम इसको अनलॉक कर लेंगे तो क्या पता चालू हो जाए। तो सबसे पहले मैं आई गेस वो बना लेता हूँ TA4 के जो भी बॉस समनर होते हैं। तो TA3 का था गाइज, हमने जो डिफीट किया था इंडोमिनस रेक्स वगैरह, और जो भी है रीपर वाला। और गाइज, इनके समनर बस समनेबल वेरियंट जो है हमारे पास, हम इन्हें समन कर सकते हैं, तो हम इनको टेम कर सकते हैं जो भी है। तो वो मेरे को अभी वैसा जरूरत नहीं है, अभी मेरे डिमोनिक और जो है बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको ट्राई करूंगा किसी एक एपिसोड में। अभी फिलहाल इनको छोड़ देते हैं, अभी TR4 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। तो हाफ टीयर तक पहुंच चुके हैं। तो ये है गाइज, जैसे आप देख सकते हो, तो द स्प्रिट गार्डियन समनर है ये, और ये है द केओस गार्डियन समनर। और गाइज, इन दोनों को डिफीट करने के बाद जो स्प्रिट और जो केओस जो जो डाइनो होते हैं, उनको हम टेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक इसमें ये भी आता है आर्टिफैक्ट, जिससे आर्टिफैक्ट वगैरह मिलते हैं। होपफुली हमारे पास गाइस चीज़ें सारी की सारी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। तो एक ये बना लेते हैं वन, और क्या क्या चाहिए इसको, इसको फेबल ब्लड। बाकी गाइस, हमने ढेर सारे डिमोनिक और सेलेस्टियल भी डिफीट किए थे, तो उनके सोल सोल कलेक्ट करने के लिए। एक डिमोनिक का सोल मेरे पास है, नॉट बैड। मेरे ख्याल से क्या बनाया मैंने, केओस वाला बनाया शायद, है ना? हाँ, केओस वाला बनाया गाइस मैंने। तो आप बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये है हमारा केओस, नहीं, हाँ, स्प्रिट वाला बनाया मैंने। हाँ ठीक है, ओके, मैं अभी कंफ्यूज हो जाता। तो हमें वो केओस वाला बनाना है, लेट्स सी। अरे वाह, बन जाएगा गाइस, अरे नॉट बैड। तो होपफुली इनफ, और होपफुली थोड़े चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि प्रीवियस जो TA3 था वो तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। और गाइस, मेरे को मालूम पड़ गया कि वो आई गेस चैलेंजिंग इतना क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो TA3 के जो बॉसेज है, जो ये रीपर एंड पर जो डिमोनिक, ये एक तरह के डिमोनिक और सेलेशियल के टीयर के ही डाइनो है, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीयर है, इसलिए इनकी हेल्थ जो है ज़्यादा नहीं होती, 100 मिलियन के करीब होती है। लेकिन गाइज, अगर आप जाओगे TR5 में, नहीं, TR5 में नहीं, सॉरी, अगर आप जाओगे TR6 में गाइज, तो TR6 के अंदर भी आपको जो है डिमोनिक रीपर एंड पर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सेलेशियल इंडोमिनस सेक्स भी मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से गाइस ये थोड़े स्ट्रांग होंगे क्योंकि इसके अंदर केओस ऑफ लगेगा और जो ट्रिब्यूट होता है, ओरिजिन ट्रिब्यूट होता है, वो तीन तीन लगेंगे हर एक के, और ढेर सारी चीज़ें लगेंगे गाइस, जैसे डिमोनिक सोल हो गया। तो पहले के में जो है ये आएगा टीयर 5 में 6 में दे दिया इनको, तो ये थोड़े स्ट्रांग वर्जन होंगे मेरे ख्याल से इनके। तो मेरे ख्याल से जब आप इन्हें डिफीट करोगे तब थोड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, अदरवाइज जो अभी जो टीयर 3 के हैं ये थोड़े ईजी होते हैं, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ एक एक सिंगल डिमोनिक से भी आप इन्हें हरा सकते हो। ओके सो आई गेस हमारे पास गाइस चीज़ें हो चुकी है, तो आप चलते हैं। ओके सबसे पहले मेरे को आई गेस अपने लिए प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि जैसे आपको मालूम है अगर मैं आपको बैटल दिखाने वाला हूँ तो मेरे को आई गेस मरना नहीं है उस बैटल के अंदर, तो जाहिर सी बात है मेरे को वो करना पड़ेगा। तो मैं पहले गाइस वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, क्रिएटिव मोड। ओके सो इनेबल कर लेते हैं इसको, तो इससे होगा ये गाइस कि इससे हमें थोड़ा बफ मिल जाता, तो अगर हम बैटल के बीच में कभी बीच में अगर आ भी जाए तो हम मरेंगे नहीं, एटलीस्ट हमारे डायनो को मैं अच्छे से दिखा सकता हूँ पास से कि कैसे फाइट कर रहे हैं वो। ओके और गाइस इससे हमें एक और एडवांटेज मिलता है, ये है हमारा फ्लाइंग मोड, जैसे आप देखो डबल टैप डबल जंप करोगे तो। ओके तो मैंने अपने बेस में गाइस जैसे आप देखो तो सारी चीज़ कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे भी मैंने ये पूरा ये बना लिया है, और ये मैंने गाइस इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बना, तो मैंने कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह बना लिए ताकि हमारे डायनोस को यहाँ पे रख सके। तो मैंने रीपर एम्पर्स को भी नीचे से बुला के यहीं पे खड़ा कर दिया है, और अभी देख जा सकते हो आप ये एकदम सही से लगाया है सबको। ओके सो आज के लिए फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं इन डिमोनिक को यूज़ करूंगा, तो मैं सबसे पहले ये यूज़ करता हूँ, लेट्स सी देखता हूँ मैं इनके पास। अबे एक मिनट, डियोडोन के पास वो नहीं है क्या? अरे नहीं, डियोडोन के पास होना चाहिए। ओके लेट्स सी, अच्छा हाँ डायनो ट्रैकर का, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ डायनो ट्रैकर है कि नहीं। इसके पास है, इसके पास है, और शाइन हॉर्न के पास भी है। ओके तो इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो अभी फिलहाल मैं इन्हीं को लड़वाऊंगा। और रहा सवाल गाइस सेलेस्टियल टीयर को, तो सेलेस्टियल टीयर में मैं इनको लड़वाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। तो इसके पास भी है, ये भी है, इसके पास भी है, एलो के पास भी है, ये भी है, ये भी है। ओके ठीक है, बाकी ये सारे जो हमें हमारे स्ट्रॉन्ग टीयर में आते हैं, रेक्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें, ये फेरोक्स वगैरह, ये ग्रिफिन वगैरह, सेलेस्टियल वगैरह, ये के, तो इसको मैं बाद में लड़वाऊंगा। और जो डिमोनिक के जो स्ट्रॉन्ग टीयर है वो ये वाले हैं, रीपर हो गया हमारा, पैरासोर वगैरह, ये सारे स्पेशल मूव करते हैं गाइस, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग टीयर में आते हैं। बाकी इनके पास एक दो लोगों के पास ही स्पेशल मूव होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। ओके सर सबसे पहले मेरे को ओके इनका, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, तो इनको मैं गाइस इधर रख लेता हूँ, और होपफुली किसी वजह से कोई ये चोरी ना हो जाए, बस मेरे को यही दिक्कत है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मेरे को वो यूज़ करना पड़ेगा अपना यार, मैं आए के बेस में मैं जाना यूज़ नहीं करना चाहता मैं ये, क्योंकि बेस के अंदर होता ही है मेरे डायनो भी स्पो हो जाता है मेरे साथ साथ। ओके तो डेजर्ट में मैंने गाइस ये लगाया था, हमारी जो फाइट होगी वो डेजर्ट में ही होगी, तो लेट्स सी वहाँ चलते हैं पहले। ओके और यहाँ पे तो कोई स्पॉन नहीं होता ना, हाँ ठीक है। ओके तो फ्लाइंग मोड एक्टिवेट कर लेते हैं लेट्स सी, और मेरे को आएगा सर मैं डायनो को छोड़ने से पहले फ्लाइंग मोड डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे गाइस मैं अपने जो डायनो है उनको समन करता हूँ, और गाइस जो प्रीवियस जो मैंने गलती, ओके मैं पहले गामा थोड़ा कम कर देता हूँ, तो प्रीवियस जो मैंने गलती की थी गाइस मैं वो नहीं करूँगा, मैं इस बार सबको नहीं छोड़ूंगा एक साथ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने गाइस सबको छोड़ के गड़बड़ कर दी थी। ओके तो 2 या 3 डिमोनिक को छोड़ेंगे इस बार गाइस, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं छोड़ता हूँ सेलेस्टियल टीयर है तो नहीं, ओके तो डिमोनिक ओविस, तो इन्होंने भाई साहब ने कल बहुत मेहनत की थी, हमने हमारे 2 सेलेस्टियल इंडोमिनस एक्स को हरा दिया था, और रीपर को भी। ओके तो इनकी बारी आ गई, ओके दोबारा से। ओके तो डिमोनिक हाइनाडॉन, ओके तो जो छोटे छोटे क्रीचर है गाइस अभी उन्हीं को हम डिफीट कर अभी फिलहाल के लिए छोड़ेंगे, लेट्स सी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और है यहाँ पे, शाइन हॉर्न। ओके गाइस तो यही 3 अभी फिलहाल के लिए हम उसमें ट्राई करेंगे, तो मेरे को पहले देखना है कि ये अरे यार शेट। ओके एक मिनट गाइस, एक मिनट, मेरे को पहले देखना है कि इसमें ना कंज्यूम दिस सुमंदा स्पिरिट गार्डियन द ओवरसी ऑफ ऑल गुड्स एंड ऑर्डर। ओके कंज्यूम दिस सुमंदा केओस गार्डियन द ओवरसीज ऑफ द इविल एंड डिस्ट्रॉयड। ओके तो मुझे ये नहीं मालूम गाइस कि ये कौन से डायनो से इन्हें डिफीट करना सही रहता, मतलब डिमोनिक या सेलिशियल जो भी है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समन करता हूँ आई गेस क्या बोलते हैं के स्पिरिट गार्डियन है, केओस गार्डियन, तो स्पिरिट गार्डियन समन करता हूँ, जिससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि डिमोनिक कितने स्ट्रांग हो रहे हैं उनके पास में। ओके लेट्स सी, तो मेरे को 9 क्लिक करना होगा, 9 क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेरे डायनो पर अटैक करेगा वो। ओके ओके गाइस सो 1 2 एंड 3। ओ अबे भाई ओके ओके ओ भाई वह भाई गया डिमोनिक गया मेरा, व्हाट
ओ अरे मेरे पास आ रहा है ये तो यार, क्या चक्कर है ये? भाई कहाँ गए वो? अबे भाई मेरे डिबू कहाँ गए यार? सेट ओके ओके गाइस ओके, नहीं बैड हो गया, थोड़ा बैड हो गया। ओके भाई पता नहीं कहाँ से ले गए यार वो लोग। ओके होपफुली होपफुली नीचे बैठ जाओ भैया। हाँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ओके गाइस ये तो गड़बड़ हो गई यार। भाई मेरे डिमोनिक कहाँ चले गए? मेरा एक डिमोनिक वो भी मरा गाइस अभी फिलहाल के लिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ओके लेट्स सी। ओके गाइस लगता भी नहीं है इसके कब कब मेरे पे वो स्पॉन वो हो गए। ओके वेट अ सेकेंड। ओके मेरा डिमोनिक वो भी मरा राइट। हाँ बाकी ये कहाँ है? अबे भाई इसे तो पीछे सुनाना बहुत मुश्किल है। ओके भाई थोड़ा दूर रहना पड़ेगा मेरे को। अबे भाई ये रहा देखो, ये रहा मैं बोल रहा था ना, ये रहा और एक वो रहा देखो। अरे यार मैं तभी सोचू ये हो क्या रहा है। ओके ओके डिमो ओके क्या साइड दोस्तों का डिमोनिक तो मेरे को आएगा, सारे यूज़ करने पड़ेंगे। तो डिमोनिक में मेरा टॉप्स भी यूज़ कर ले। अबे मंकी आ गया यार, स्टेडियम मंकी कहाँ से आ जाता है? ओके नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई फाइट कर रहे हो नहीं कर रहे? ओके मेरे को अटैक लग रहा है मेरे को। भाई मेरे को अटैक नहीं करना है यार, क्या चक्कर है? मेरे पास क्यों आ रहे हैं सारे के सारे? भाई मैंने वहां पे डायनो छोड़े थे मैं यार, क्या चक्कर है? ओके मेरे डायनो फिर चले गए, फिर गायब हो गए मेरे डायनो। ये भाई इसकी रेंज कितनी फास्ट है भाई, कितनी दूर से आ जाता है। ओके ओके गाइस मैं ये तो गड़बड़ होती जा रही है। ओके लेट्स सी क्या करूँ यार, मेरे को पहले समन करने पड़ेंगे अपने सारे के सारे डायनो एक साथ। ओके ओके गाइस तो अब जिन जिन को मेरे को लड़वाना है उन सबको समन करना पड़ेगा। होपफुली ये ना है भाई, ये तो एकदम क्लोजिंग होता जा रहा है, क्या चक्कर है? ओके ओके लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके डिमोनिक हाइड ऑन एरा। अभी भाई आजा नीचे यार, तू दूर भाग जाता है। ओके डिमोनिक मैगाथीरियम, डिमोनिक शाइन हॉर्न, डिमोनिक मेरेला टॉप्स, डिमोनिक रोल रैट। ओके बाकी रोल रैट आ गया, मेरा टॉप शाइन ऑन आ गया, हाइनोड ऑन आ गया, तो बाकी ये डिओडॉन। ओके ओके भाई फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। सबसे पहले तो आ रहे ना, एक दो तीन चार। ए भाई क्या क्या है ये, क्या क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ओके मारो 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 इनको, मारो 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 इनको मारो। हाँ वेरी गुड, अब आ जाओ आ जाओ आगे 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 जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ओके ये आ चुका है। ओके ओके मेरे को भी यहीं रहना पड़ेगा यार, तभी जाके मारे गए है। ओके मेरा डिमोनिक गया शट। ओके नहीं, अब मैं उड़ नहीं पा रहा, अब मैं उड़ नहीं पा रहा। ओके न्यूट्रल कर देते हैं गाइस, न्यूट्रल न्यूट्रल अटैक अटैक माय टारगेट, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। ओके ओ भाई क्या कर दिया मैंने यार ये। ओके शेट 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 शेट, हमारे टीम कहाँ है भाई? हमारा एक भी टीम नहीं दिख रहा मेरे को यार। भाई कहाँ फेंक देता है ये हमारे टीमों को, समझ नहीं आ रहा ये कौन है। ओ भाई मेरा डिमो भाई कहाँ उड़ गया ये? ओके गाइस बिल्कुल मेरे को मालूम नहीं क्या चक्कर है, इसको मेरे को फंसाना पड़ेगा मेरे ख्याल से कहीं पे।
आ जाओ भैया, आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ यहाँ पे बच जाओगे। अबे नहीं, ये तो आ रहा है। ओके गाइस, फंसाने का कोई चक्कर नहीं है गाइस को। ओके आ गया आ गया, यहाँ से यहाँ पे फंस जाएगा मेरे ख्याल से। है ना? अरे ओके, डिमोनिक 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 साइन हॉर्न, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डिमोनिक 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 मेरा लॉट आ जाओ। अरे भाई साइन ऑन गया मेरा। डिमोनिक मेगाथीरियम आ जाओ। अबे भाई ओके स्टॉप स्टॉप, डोंट फॉलो मी डोंट फॉलो मी। न्यूट्रल कर दिया मैंने इनको, न्यूट्रल कर दिया। ओके थैंक गॉड गाइस, थैंक गॉड, एटलीस्ट अब मेरे को नहीं छेड़ रहा है तो ये अच्छी बात है। ओके गाइस ओके, थैंक गॉड थैंक गॉड। ओके तो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, मैं औरों को बुला सकता हूँ, डिमोनिक डिओडोन बुला सकता हूँ मैं, एंड डिमोनिक और डिमोनिक मेगाथीरियम मैंने बुला लिया राइट। नहीं डिमोनिक मेगाथीरियम ये रहा। ओके ये रहा, गो 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 गो। अबे भाई लग क्यों नहीं रहा ये? मारो 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 मारो। अबे तो मेरे पीछे पड़ा है यार ये तो। अबे भाई मेरा दिमाग में आ गया। ओके गाइस, मैंने आई गेस गड़बड़ कर दी है सीरियसली। ओके मैं कोकून हो गया, ये बात ओके गलत हो गई ये वाली बात। ओके आ गया, फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया। ओके मैं इसको फंसाने की जगह देख रहा हूँ यार, ताकि ये इजीली। ओ भाई इसकी हेल्थ तो नहीं। हाँ इसको भी डिफीट किया है गाइस, ऐसी बात नहीं है, ये भी मरने वाला है। ये फिर निकल गया, ये फिर निकल गया भाई, इसको फंसाने की कोई जगह है ही नहीं। ओके गाइस अभी तक तो मैं पता नहीं कितनी बार मर जाता अगर मेरे पास ये नहीं होता तो। ओके लेट्स सी। ओके ओके नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। भाई कौन कौन से रह गए मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस डिमोनिक हाई नाइट ऑन रह गया। आ जा भाई आ जा, नीचे आ जा यार, आ जा अबे आ जा भाई। ओके गाइस अब मैं आएगा, सबको बुलाना पड़ेगा मेरे को। सेलेस्टियल टीयर के डायनो को भी बुलाना पड़ेगा मेरे को, जाहिर सी बात है क्योंकि सेलेस्टियल एलो ठीक है, सेलेस्टियल यूटी ठीक है, सेलेस्टियल थाइलोकोलियो ठीक है। ओके सीकर को अभी मैं रहने देता हूँ। डिमोनिक मेलाटॉप्स आप आ जाओ वापस। ओके सेलेस्टियल थैरी आ जाओ। ओके थैरी जिन्होंने डिमोनिक हाइनेडॉन तो ये रहा ठीक है, एंड सेलिशियल रॉक ड्रेक, रॉक ड्रेक का मैं अभी सीकर मंगा लेता हूँ एक बार। सीकर एक सीकर आएगा बेटर है। ओके अब प्रॉब्लम ये इनको लेके कैसे जाऊँ मैं? ओके विसल न्यूट्रल विसल न्यूट्रल। ओके ठीक है आ जाओ 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 आ रहे हैं ना, आ रहे, चलो आ रहे। ओके आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। ओके गाइस ओके ये रहा भाई। अबे क्या कर रहा है यार ये? क्या मेरे को नीचे जाना पड़ेगा क्या तभी जाके कुछ होगा? ओके गाइस मेरे को नीचे जाना पड़ेगा तभी जाके कुछ होने वाला है, क्योंकि ये तो भाई साहब। थोड़ा
ओके, मेरे को कहीं नीचे रहना पड़ेगा तभी जाके कुछ होने वाला है, वरना ये लोग ऐसे नहीं। ओके ये हुई ना बात, ये वाला अटैक से ये ग्राउंड हो जाएगा गाइस अगर लग गया तो, ये डेफिनेटली। मारो भैया मारो, ओके ये रहा वो कांगया, ये रहा विपिन, ये रहा। मैं अबे मैं भी ग्राउंड हो गया, अबे यार मैं भूल गया था इनकी, उनसे मैं भी ग्राउंड हो जाता यार, शिट। ओ मेरा सेलेस्टियल हेल हो गया, शिट 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 शिट। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा डैमेज, स्पिरिट गार्डन स्पिरिट गार्डन। ओके ओके नहीं, अबे ने सबको मार दिया उसने, व्हाट। अबे नहीं यार, ओके नहीं, अबे कौन कौन मर गया भाई मेरा। नहीं नहीं है गए भाई, है अभी है अभी है अभी है अभी है। ओके भाई भाई क्या कर रहे हो भाई तुम, ओके वो वहाँ, अच्छा वहाँ पे उससे फाइट कर रहा हो। अबे ओके यार ये भी, ओके 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 ओके, फॉलो मी भाई, गाइस फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, कौन कौन जिंदा है अभी आ जाओ। ओके ओके यहाँ पे ये मेरे सीकर के साथ फाइट कर रहा है मेरे ख्याल से, राइट। हाँ ये रहा, भाई कोई स्पेशल अटैक करो तब जाके आएगा ये। ओके गाइस यहीं रहता हूँ मैं, आएगा सी यहीं यहीं पे मार सकते हैं इसको। अरे मेरे को मत फंसा देना बस तुम। मारो भाई मारो, ओके 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 मारो 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 मारो। ओ डिमोनिक हाइड डाउन किया मेरा, शिट। अबे यार अब कौन बचा है, अब कोई बचा है क्या मारने के लिए। ओके सीकर 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 भैया सीकर आ जाओ, भैया सीकर आ जाओ। हाँ न्यूट्रल न्यूट्रल सीकर, ओके ठीक है सीकर फाइट कर रहा है। थाईलो खोले आ जाओ मारो मारो मारो, थाईलो खोले भाई साहब मारो। ओके यूटी है ना, आ जाओ। ओके मारो मारो मारो, हाँ हाँ वेरी गुड, अरे वाह ऐसे ही हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके गाइस इसके मिनियन ज़्यादा आएगा कि ज़्यादा खास है मेरे ख्याल से। ओके भाई एक बार ये लग जाए ना इसको तो गाइस मज़ा आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हाँ मारो 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 मारो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये रहा अरे वो रहा पास में ये तुम्हारे, ओके और कौन रह गया, सेलेस्टियल रॉकेट को भी बुला लूँ क्या, नहीं लाभी रहेगा इसमें एक बार से, ये तीन आएगा गाइस काफ़ी है फिलहाल के लिए। ओके यार क्या बैटल है भाई साहब, अबे भाई ये कौन, ओके ओके गाइस 2.7 बिलियन हेल्थ है भाई साहब, मैंने अभी देखा इसको। मारो 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 मारो, हाँ मारो वेरी गुड। ये रहा भाग, भाई इसको बैठाते क्यों नहीं है यार, ये क्या चक्कर हो रहा है, ये बैठ क्यों नहीं पा रहा गाइस ये इनके अटैक से, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ सेलेस्टियल के अटैक से जो डाइनो है वो बैठ जाते हैं कोई भी फ्लाइंग क्रीचर है, लेकिन इस पर इसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा। ए थाले को लिए भैया मारो। ओके 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 ऊपर से लग के आ रहा, होपफुली ग्राउंडेड हो जाए, एक बार ग्राउंडेड हो जाए, नहीं नहीं हो रहा। ओके उधर चला गया बैटल, अब उधर चला गया कोई बात नहीं। ओके एटलीस्ट गाइस मेरे को छोड़ दिया इन्होंने अकेला। मैं भाई क्या कर रहा है, मारो वे भाई, ये कहां से आ गया के उस थाईलो को ले। ओके 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 ये क्या गया, ओके आई गेस मार दिया होगा थाईलो को ले। भाई मेरे पास मत आओ यार,
मुझे फॉलो मत करो भाई, मेरे पास मत आओ, इसको मारो इसको। एक मिनट गाइज, लेट्स सी, इसके बाद कुछ पैदल मूव है। अरे हाँ ये हुई ना बात, अरे वाह ये हुई ना बात। ओके अबे कहाँ चला गया अबे। ओके 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 ओके, एक मिनट गाइस, मैं लेके आता हूँ। स्पिरिट गार्डन, नहीं नहीं बैड मैनर्स, इधर आ जाओ। अभी बैटल ख़त्म नहीं हुआ, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हमारा बैटल ग्राउंड। ओके ये आ गया, मेरा सेलेस्टियल। ओ भाई ओ ये वाला अटैक बड़ा खतरनाक है यार, इसका एक बार में मारता तो। अरे गाइज ओके, सो प्रॉब्लम ये है मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मेरे को आगे डायनो लेके आने पड़ेंगे। राइट या एक मिनट, मैं ऐसे भाग सकता हूँ। ओके अगर मेरे को ये भागने दे तो। ओके ठीक है, थैंक गॉड। ओके, मेरे को मालूम था ये स्पिरिट गार्डन इतने स्ट्रांग होंगे भाई। ओके गाइज ओके, अब मैं क्या करूँ, मेरे सारे के सारे मर गए भाई, क्या। ओके ओ नहीं, सीकर बचा मेरा। ओके गाइज, अब फ्लाइंग वाला बैटल होगा जो भी है। ओ ओके ओके, मार रहा, नॉट बैड। ओके ओके, इसके पास कोई स्पेशल मूव नहीं आया जो उसको ग्राउंड कर सके गाइस। अरे इसने अटैक कर दिया, शेट। ओके मेरा गामा कुछ ज़्यादा। ओके फाइट करो सेलेस्टियल सीकर। वेरी गुड, 20 मिलियन का डैमेज कर रहा भाई। भाई 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 क्या 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 है, क्या 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 कैसे मार रहा है ये, 20 मिलियन का डैमेज कर रहा है। अबे उधर मत घूमे। ये अबे अच्छा ये ग्राउंड बीट कर देता है इनको यार, ये क्या चक्कर है। ओके ओ गाइस ओके, 200 मिलियन हेल्थ रह गई इसकी। ओके लेट्स सी मैं किसको बुलाऊं, सेलेस्टियल रॉकरे को बुलाता हूं गाइस, होपफुली इसके पास कोई स्पेशल मूव हो। ओके भाई कुछ भी नहीं है क्या इसके पास। ओके इनविजिबल हो गए, अच्छा ये। अरे गाइस इसके पास भी कुछ नहीं है यार। अरे मेरा सेलेक्शन सीकर भी गया। ओ नहीं है, अभी है मेरा, नहीं है वो मरा नहीं अभी है। ओके हाँ है गाइस ओके। मारो भाई मारो भाई, कैसे बैठ जाते हो तुम लोग, मारो। ओके गाइस इसके बाद तो कोई अटैक ही नहीं है, ये क्या मारेगा ये वाला। मेरा रॉक डेक तो बहुत बेकार है यार। मेरा रॉक डेक किस नहीं, मेरा रॉक डेक जाने वाला नहीं, ऐसा नहीं, अभी है उसकी हेल्थ है अभी है। ओके रॉक डेक भैया संभालो, मैं भागता हूँ यहाँ से। अबे मारो, क्या कर रहे हो भाई, कैसे ढीठ है यार ये लोग। मार ही नहीं रहे बताओ, मैं बैठता हूँ इनके ऊपर तभी मार रहे बताओ। ओके ओके गायब हो जाओ, रेंडर डिस्टेंस से गायब हो जाओ। ओके ओके गाइस, अच्छा ठीक है ओके गाइस, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार ये।
ये मार ही नहीं रहे भाई। सीकर 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 ओके सीख भाई, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं कर तो रहा एटलीस्ट। अरे अरे यार, अरे यार, ओके अब मेरे को दिखेगा नहीं कुछ भी। ये देखो ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। भाई इनको कहाँ फेंक दे, दूर फेंक देगा इनको। ओके भाई यार, तू किसी काम का नहीं है, क्या बोलते हैं। भाई कुछ कर भी रहा है ये। ओके एटलीस्ट कर तो रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई वो सीकर कहाँ लेके चला गया सीकर उसे, सीकर। ओके ओके फाइट हो रही, फाइट हो, मारो 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 फाइट। भाई सीकर क्या कर रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अबे मेरे पास नहीं, अबे मेरे पास नहीं। ओके इससे फाइट करें। ओके मारो 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 सीकर मारो। अबे यार सीकर रेंडरिंग डिस्टेंस से अलग हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है यार इसका। मारो सीकर मारो 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 मारो। ओके गाइस स्पीड गार्डन मरने वाला मेरे ख्याल से। सीकर सीकर कम ऑन, तुम कर सकते हो स्पीड सी। ओके मेरे को उसको नीचे लेके आना पड़ेगा जहाँ पे मेरा ये है। ओके होपफुली ये भी हेल्प करे थोड़ी सी। मेरा सीकर कहाँ है। अबे यार सीकर वहीं रह गया मेरा। सीकर को बुलाना पड़ेगा। सीकर सीकर सेलेक्शन सीकर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मारो 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 सीकर मारो भैया मारो, थोड़ी सी हेल्थ आ गई इसकी। हाँ यही है एनिमी, यही है एनिमी, यही है। ओके फाइनली। हो भाई साहब। अबे भाई यार क्या करके माना तुमने भी। अबे भाई हेल्प तो कर दो मेरी, दोनों बैठ गए जाके। यार कभी कभी सुनते नहीं है, क्या चक्कर है। तो कहे नॉर्मली तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन आई डोंट नो क्या होता है इनको। बस भाई बस 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 बस। ओके नहीं पैसिव नहीं, न्यूट्रल रखता हूँ और डोंट फॉलो। ओके बैठ जाओ। ओके गाइस सो फाइनली हमने जो है सेलेस्टियल उसको हरा दिया। और मैंने कहा एक भी नहीं देखा कि क्या क्या चीज़ें अनलॉक हुई है, डेफिनेटली मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। अभी कौन आ गया, अर्थवॉर्म। अरे नहीं नहीं बैड मैनर्स बैड मैनर्स। सेलेस्टियल क्या गया आप टिक नहीं पाओगे। ओके ओके गाइस लेट्स सी देखते क्या क्या चीज़ है। ओके ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। ओके ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर, व्हाट रॉकेट लॉन्चर। ओ 744। ओके भाई कुछ भी नहीं मिलता क्या इसको, प्राइमल मिलते हैं, प्राइमल चीज़ें मिली और ओके कुछ भी नहीं है गाइस इसको हराने पे। तो होपफुली चीज़ें अनलॉक हो गई होगी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया अभी फ़िलहाल के लिए। ओके गाइस ओके ओके मुझे नहीं मालूम कितने लोग मारे गए हैं। लेट्स सी। ओके सॉरी किस में देखते हो, उसमें आएगा लॉग में देखते हैं गाइस शायद मेरे ख्याल से लॉग्स के अंदर राइट। नहीं ये कौन सा है, फेबल मेरल टॉप्स। नहीं नहीं ओके ओए भाई ओ भाई। ओके गाइस ये तो डिमोनिक ओबिस मर गया हमारा, डिमोनिक रोल रहा है, डिमोनिक शाइन हॉर्न, डिमोनिक मेगाथीरियम, डिमोनिक डिओडॉन, डिमोनिक मेरल टॉप्स, सेलेस्टियल एलो, सेलेस्टियल थेरी, सेलेस्टियल डायरबियर, सेलेस्टियल डिमोनिक हाइनेडॉन, सेलेस्टियल यूटीरियनस, सेलेस्टियल थाइलोकुलु भी गया मेरा। ओके सर सी अच्छा इन दोनों का बाद में लेके आया तो सर ये दोनों बचे गए। ओके सो गाइस जैसे आप देख सकते हो मैं सोच रहा था कि आई गेस हमारे जो डिमोनिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सेलेस्टियल वगैरह, लेकिन फाइनली गाइस हमें पता लग गया कि जो स्पिरिट गार्डियन होते हैं वो उनसे भी स्ट्रांग होते हैं। तो हमने ढेर सारे डिमोनिक और वो जो सेलेस्टियल डायरबियर है उन्हें खो दिए गाइस। तो मेरे ख्याल से ना ये आई गेस अटैक नहीं करते नॉर्मल तरीके से, इनके ऊपर बैठ के अगर आप ट्राई करोगे गाइस तो जैसे ही बता आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे अगर आपके पास हीलिंग पोशन भी हो और अगर आप इनके ऊपर बैठ के अटैक करो तो। लेकिन इन जो डायनो है इनको मैंने गाइस इसलिए ऐसे लड़वाया क्योंकि इनके पास कोई स्पेशल मूव नहीं है, ये सिर्फ बाइट अटैक और जो फायर ब्रेथ होती है यही मूव करते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे लड़वाया। तो गाइस अब आज के एपिसोड में तो हम नहीं कर पाएंगे आई गेस, जो हमारा एक और गार्डियन रह गया जो केओस गार्डियन है गाइस। ओके हाँ सो केओस गार्डियन अभी रह चुका है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा। तो इसको गाइज मैं नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई करूंगा, अभी फिलहाल के लिए एक गार्डन आज के साथ के लिए काफ़ी है। और मुझे आई गेस अपने स्क्वाड वगैरह भी दोबारा रेडी करनी पड़ेगी।
गाइस आज के एपिसोड में गाइस इतना ही, मे बी इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गाइस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।